नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर में लगातार दुष्कर्म के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां युवती ने थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ पहुंचकर धीरज नामक युवक के साथ आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करती थी। युवक के द्वारा युवती को बहला फुसलाकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया और लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा और शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। जब युवती ने शादी करने को दबाव बनाया तो युवक के द्वारा युवती को जान से मारने की धमकी दी गई। युवती परेशान होकर थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ दुष्कर्म और विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 31/1/2023 को एक पीड़िता अपनी मां के साथ थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि करीब 3 साल से 2020 से एक धीरज पटेल, पिता गिरधारी पटेल नाम का लड़का है जो द्वारकापुरी का रहने वाला है, उसके साथ आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करती थी। जब से परिचय हुआ उसका और उसके बाद उसने शादी का बोला उससे और एक बार उसको घर ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और लगातार उससे संबंध बनाता रहा है। जब जब शादी का बोलती बोल देता कि अभी घर नहीं बना है, परिवार वाले राजी नहीं है। फिर बाद में उसने मोबाइल बंद कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया उससे और इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। इस पर से आरोपी धीरज पटेल के अपराध पंजीबद्ध हुआ और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में भेज दिया गया है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।